दोस्तों ये है मेरे पास में सोनी का A7S3। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैपेबल कैमरा है, काफी पॉपुलर भी है और हम हमारी सारी वीडियोस इस कैमरा से ही शूट करते हैं। मतलब आप जो फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं ये अलग अलग एंगल से जो कैमराज लगा रखे हैं सब जो कैमराज हैं एग्जैक्टली सेम A7S3 ही है। बट अभी आ गया है ये वाला कैमरा एंड दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैमरा। दोस्तों ये है हमारे पास में सोनी FX6, एक सिनेमा ग्रेड कैमरा है और अभी हम करने वाले हैं हमारे कैमरे सिस्टम को अपग्रेड। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्या है स्पेशल इस कैमरा में जो इसको एक सिनेमा ग्रेड कैमरा बनाता है और इनफैक्ट इस कैमरा से मूवीज को भी शूट किया जाता है। वीडियो को देखते रहिए और हम अनवील करते हैं सभी सीक्रेट्स इसी सोनी FX6 सिनेमा कैमरा के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत में ही सबसे पहले एक डिफरेंस दिखी गया होगा कि यार इतना बड़ा डब्बा अगर किसी कैमरा का है और अगर कैमरा आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसा दिख रहा है तो इट मींस समथिंग स्पेशल इज डेफिनेटली इनसाइड। तो यहाँ पे हम जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि है क्या आखिर अंदर चीजें। देखा आपने कितनी सारी चीजें हमको अंदर मिली हैं। मैं एक बार इनको सबको अनरैप करता हूँ फिर हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमको मिली हैं इस पूरे बड़े से बॉक्स में। ओके, काफी सारा दोस्तों कंप्लीट हमको एक तरीके से किट मिल गया है टू मेक दिस कैमरा ऑपरेशनल। और फिर एक्सपेंशंस का तो खैर कोई यहाँ पे मतलब यू नो नंबर आप लिमिट नहीं कर सकते बिकॉज यू कैन कस्टमाइज इट द वे यू वांट। बट देन अगेन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ऑल द क्विक स्टार्ट गाइड्स वगैरह कुछ भी समझ लो जो इस पूरे कैमरा को लेकर हमको रीडिंग मटेरियल मिला है। फिर हमारे पास में है ये एक केबल फॉर एसी और ये आप इसमें कनेक्ट करेंगे, ये अडैप्टर है और यहाँ पे कैमरा जो है वो सीधा इस पर भी रन कर सकता है। मतलब अगर आपको चाहिए, वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ पावर फ्लक्चुएशंस वगैरह, लेकिन हाँ हमारे पास में ये प्रॉपर इसकी पावर सप्लाई है। फिर हमारे पास में बहुत ही हाई क्वालिटी की देखने में लग रही है, ये है USB A to USB C केबल। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज दिस और ये एक बैटरी है, 2320 mAh की ये बैटरी है और काफी बड़ी सी लग रही है। द मॉडल नंबर इज BPU 35, आई थिंक ये 35 वॉट आवर की बैटरी है। जी हाँ वही लिखा है 35 वॉट आवर। और अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, यू कैन चेक द लेवल ऑफ बैटरीज बटन को दबा के। यहाँ पे आपको एम्प्टी और फुल के बीच में लाइट्स जो है वो ग्लो हो जाएंगी और बैटरी का लेवल आप सीधा चेक कर सकते हो बिना कैमरा में इंसर्ट किए। ये इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे पास में स्लॉट है, बैटरी को लगाया और पीछे आपके पास में यहाँ पे ये गया बैटरी को चार्ज करने के लिए, दिस इज द चार्जर। फिर हमारे पास में है ये कैमरा के लिए साइड ग्रिप और जो साइड ग्रिप है ये आप कुछ इस तरीके से होल्ड करने वाले हैं और आपको एक डायल सामने मिल जाता है। आपको वाइड टेलीफोटो जाना है, आपके लिए जूम के ऑप्शन है अगर पावर्ड लेंस यूज कर रहे हो तो, रिकॉर्ड बटन और एक जॉयस्टिक, मतलब मल्टीपल कंट्रोल्स इस ग्रिप में ही है और ये ग्रिप आप अटैच करने वाले हैं इस कैमरा के साइड में यहाँ पे और अलग अलग एंगल्स पे एडजस्ट कर सकते हैं। दिस बाय द वे इज द मेन कैमरा बॉडी और काफी हल्की है यार गिवन द साइज। मतलब ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज्यादा भारी निकलेगा बट काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा कैपेबल है। आपको दिख रहे हैं ऑल द बटन्स, ऑल द डिफरेंट यू नो प्लेसेस टू माउंट मल्टीपल एक्सेसरीज वगैरह। तो दिस इज द मेन कैमरा बॉडी, इस पर हम दोबारा आते हैं वापस। फिर हमारे पास में ये है, दिस इज द स्क्रीन जहाँ पे आपको मेन आपका प्रीव्यू मिलेगा बिकॉज यहाँ पे आप देखो तो कोई स्क्रीन नहीं है। इसको भी हमको अलग से अटैच करना है विद दिस केबल और तब हम देखेंगे कैमरा का लाइव फीड। फिर हमारे पास में एक टॉप ग्रिप है और ये जो टॉप ग्रिप है इसके अंदर आप देखो यहाँ पे माइक्रोफोन भी है, एक्स्ट्रा माइक को अटैच करने के लिए एक सेक्शन भी है, यहाँ पे हमारे पास में XLR पोर्ट्स भी हैं इनपुट के लिए और ऊपर आपके पास में अगेन रिकॉर्ड बटन या कंट्रोल ऊपर ही है अगर आप कैमरा को इस ग्रिप को ऐसे लगाने के बाद में यूज करते हैं तो लेट मी पुट एवरीथिंग टुगेदर और फिर हम देखते हैं कि आखिर ये कैमरा दिखता कैसे है बिकॉज ये कैमरा देखा कैसे दिखता है। लेट्स हैव अ लुक कि आखिर ये कैमरा कैसे दिखता है। Guys, there you have it. मतलब देखो डिफरेंस आपके क्लियरली सामने है। ये हमने इसको पूरा असेंबल कर लिया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे हमने सोनी का एक 1224 वाला जो है
सुपर वाइड लेंस लगा दिया है और ऊपर की ग्रिप भी लगा दी है, साइड की ग्रिप भी लगा दी है, डिस्प्ले जो है इसका वो भी माउंट कर लिया है हमने। एंड नाउ लुक एट दिस इन कंपैरिजन, मतलब ये लग रहा है कि बहुत ही बच्चा सा कैमरा है। और यहाँ पे ये ऐसी पूरी इसकी रिग बनती है व्हाइल एवरीथिंग इज पुट टुगेदर। और ये बेसिकली एक हुड है स्क्रीन के लिए, अगर ब्राइट लाइट में शूट करते हैं जहाँ पे रोशनी रिफ्लेक्शंस वगैरह आ रहे हैं तो देखने के लिए टू फोकस नाइसली। और इसको लगाने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये इसके स्क्रीन को पहली बात तो प्रोटेक्ट करता है कुछ इस तरीके से। स्क्रीन बाय द वे जो है वो टिल्ट हो जाता है ऊपर भी और नीचे भी, और इसको जब आप स्टोर करते हैं तो इसको आप ऐसे अंदर भी फोल्ड कर सकते हैं, और अगर आप इसको ओपन करें तो इट ओपन्स लाइक दिस। तो एक्सट्रीम रिफ्लेक्शंस या उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको स्क्रीन दिख नहीं रहा है तो यू कैन यूज दिस हुड और आप इसको ऐसा करके बंद कर सकते हैं। बट मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास में सिचुएशन इतनी हार्श नहीं है तो आप इसको रिमूव ही कर लो, बिकॉज आपकी विजिबिलिटी नॉर्मल ज़्यादा बढ़िया आएगी, वरना आपको एकदम इसको सामने से देखना पड़ेगा। बट anyway, यहां पे ये कैमरा कुछ ऐसा है, आप इसको ऐसे पकड़िए, ऐसा करके ऐसे यूज़ करेंगे, शोल्डर रिग होगी तो थोड़ा कंधे से सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ना है तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम करते हैं इसको ऑन, और ऑन करते ही मुझे दिख रहा है प्रीव्यू, और इस टाइम पे मैं एकदम प्रोफेशनल कैमरामैन बन चुका हूँ ऐसा लगता है मुझे। एक बार आप देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से, फिर मैं आपको बात बताता हूँ कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हमको। दोस्तों फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर हमको मिलने वाले जितने सारे पोर्ट्स हैं उन सभी के बारे में, बिकॉज दिस कैमरा गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू अटैच मल्टीपल थिंग्स। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर इंच आपको माउंट्स मिल जाते हैं अगर आपको केज वगैरह अटैच करना है, यू नो कस्टमाइज करना है तो, और इनफैक्ट टू अटैच मल्टीपल पेरिफेरल्स। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि आप यहाँ देखो, आपको ऊपर एक शॉटगन माइक लगाने के लिए प्रॉपर एक मिल जाता है स्लॉट जहाँ पे अपना आप माइक अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास में नॉर्मल माइक्रोफोन है, अगर आप एक वायरलेस सेट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऐसा माइक जहाँ पे आपके पास में XLR का आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको बिल्ट इन दो XLR इनपुट्स के स्लॉट मिल जाते हैं जो कि बहुत रेयर है किसी कैमरा में मिलना, बट बिकॉज सिनेमा कैमरा है तो यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं इस तरफ तो जस्ट हैव अ लुक एट ऑल द पोर्ट। सबसे पहले नीचे वी हैव अ USB-C पोर्ट यहाँ पे, इसके ऊपर हमारे पास में मेमोरी कार्ड लगाने के लिए ऑप्शन है, ड्यूअल स्लॉट्स हैं और सोनी का CF Express Type-A आप इसके अंदर कार्ड लगा सकते हो, SD कार्ड भी लगा सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं और क्या पोर्ट्स हैं तो यहाँ पे नीचे हमारे पास में एक DC पोर्ट का ऑप्शन है जो आपको बता रहा था कि आप डायरेक्टली इस कैमरा को रन कर सकते हो यू नो उस अडेप्टर से। फिर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में एक मल्टी पोर्ट कनेक्टर है, अगर आपको रिमोट शटर वगैरह यूज करना है तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाएगा। फिर हमारे पास में एक टाइम कोड के लिए पोर्ट मिलता है, फिर हमारे पास में SDI आउट का ऑप्शन है, और ये जो SDI आउट है ये आपको ऑप्शन देता है कि आप बहुत ही लंबे डिस्टेंसेस के ऊपर भी यहां से आउटपुट देख सकते हो अपने किसी और मॉनिटर में। और फिर हमारे पास में HDMI का ऑप्शन है अगर आपको HDMI यूज करना है, द ओनली प्रॉब्लम विद HDMI इज कि द डिस्टेंस इज लिमिटेड। फिर हमारे पास में ट्राइपॉड के लिए भी दो टाइप के ऑप्शन है, एक है स्टैंडर्ड क्वार्टर इंच वाला जो नॉर्मल हम कंज्यूमर्स यूज करते हैं, और जो बड़े वाले ट्राइपॉड होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर बड़ा हमको थ्रेड मिल जाता है। ऑल इन ऑल अगर हम देखें इसको चारों तरफ से तो यहाँ पे इट इज फॉर हेडफोन आउट, इसमें कहीं भी 3.5mm का इनपुट हमको मिलता ही नहीं है, मतलब जो नॉर्मल माइक्रोफोन होते हैं वो इसमें हम लगा सकते हैं क्योंकि प्रोफेशनल कैमरा है तो प्रोफेशनल्स जो हैं वो तो उसको यूज नहीं करते हैं। अब तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो बटन्स वगैरह हैं वो इतने ज्यादा हैं, और वो डेफिनेटली ज्यादा है बिकॉज दिस गिव्स यू कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। और मजे की बात क्या, काफी बटन्स डुप्लीकेट्स भी हैं। डुप्लीकेट इसलिए है कि अगर आपने इस कैमरा को यहाँ पे पकड़ा है इस तरीके से तो आपको जो रिकॉर्डिंग के लिए बटन मिल रहा है या जो कुछ एडजस्टमेंट्स के लिए आपको डायल्स वगैरह मिल रहे हैं, जॉयस्टिक मिल रही है, वो आपको यहाँ पे मिल रही है ताकि आप इसी ग्रिप में रहते रहते अपने थंब से इनको कंट्रोल कर पाए। अगर आपने इसको पकड़ा है इस ग्रिप से तो आपको सिमिलर बटन्स एग्जैक्टली सेम यहां पे रेप्लिकेटेड मिलते हैं बिकॉज ये आपको ऑप्शन देता है कि आप यहीं से पकड़े पकड़े यू कैन कंट्रोल ऑल दोस थिंग्स। अगर हम बात करते हैं साइड में तो वी हैव बटन्स लाइक फॉर एग्जांपल ISO के लिए है, वाइट बैलेंस, शटर वगैरह आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। हमारे पास में एक बिल्ट इन ND फिल्टर हमको इस कैमरे में मिल जाता है विच इज वेरी यूनिक, बिकॉज नॉर्मली क्या करते हैं अगर हम कहीं बाहर ब्राइट लाइट में शूट कर रहे हैं और हमको लेट्स से शूट करना है F2.8 पे,
तो लाइट इतनी ज्यादा है कि आप शूट कर नहीं पाएंगे, आपको कैमरा में पूरा ओवर एक्सपोज जाएगा सब कुछ। उस टाइम पे आगे अगर हम एनडी फिल्टर यूज करते हैं तो आप हाई एपर्चर पे भी बाहर शूट कर सकते हो, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनडी फिल्टर। लेकिन यहां पे आपको ये चीज कैमरा में अंदर इनबिल्ट मिलती है, तो अप टू अ सर्टेन लेवल आपको एक्सेल एनडी फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं उसके अलावा और चीजों की, तो फॉर एग्जांपल जो आपने यहां पे लगाया था ऑडियो इनपुट, उनका जो गेन वगैरह अगर आपको एडजस्ट करना है तो यू कैन डू फ्रॉम हियर फॉर बोथ द चैनल्स, चैनल वन चैनल टू। तो यहां पे इस तरह की जो चीजें हैं मिल रही है ना रिकॉर्डिंग के लिए, यहां बटन है एवरीथिंग, दिस क्लियरली इज एन इंडिकेशन ऑफ द काइंड ऑफ कैमरा दिस इज। और मजे की बात, आप इस कैमरा से फोटो नहीं क्लिक कर सकते एज फार एज आई नो, बिकॉज यहाँ पे केवल हमको रिकॉर्डिंग के ऑप्शन मिल रहे हैं, देर इज नो शटर बटन टू क्लिक एनी फोटो, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर फोटोज, दिस इज फॉर वीडियोज। और फॉर अ फैक्ट आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अंदर हमारे पास में सेंसर है, वो सेंसर एक 10.2 मेगापिक्सल का सेंसर है, आपको यही दिखाऊंगा। सो दिस इज अ 10.2 मेगापिक्सल सेंसर। इसका जो कैमरा का मेन काम है, द मेन फंक्शन इज जस्ट टू रिकॉर्ड वीडियोज। एंड गाइस, वीडियोज में अगर बात करते हो इस कैमरे कैपेबिलिटीज की, अनमैच्ड है अगर हम एक नॉर्मल कैमरा से कंपेयर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो डायनेमिक रेंज हमको मिलती है वो 15 स्टॉप्स की फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक रेंज मिल जाती है, या जिस बिटरेट पे आप वीडियोज को रिकॉर्ड कर सकते हो, अगर आपको DCI 4K रिकॉर्ड करना है, आपको अगर एक USD 4K वीडियो रिकॉर्ड करना है, आप 60 FPS, 120 FPS, यू नो बहुत एक्सट्रीम डायनेमिक रेंज के साथ में आप रिकॉर्ड कर सकते हो बहुत ही एक्सट्रीम हाई बिटरेट पे। जो आप एग्जाम्पल से भी देखने वाले हो, इट विल गिव यू अ क्लियर डिफरेंस यूजिंग एग्जैक्ट सेम सेट ऑफ लेंस। फॉर एग्जाम्पल जहां पे हमने ये FX6 यूज किया, हमने सोनी का A7S3 यूज किया, और हमने इक्वलेंट जूम रेंज या फोकल लेंथ रखते हुए एक स्मार्टफोन को यूज किया, और आपके सामने है डिफरेंसेस टू कंपेयर बिटवीन ऑल दीज 3 डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस। गाइज, देखा आपने, मतलब आई एम श्योर अगर आपका वर्क फ्लो ऐसा है कि आपको इस कैमरा की जरूरत है, तो आई डोंट थिंक कि जो बाकी के दो ऑप्शंस हैं वो इसकी जगह ले पाएंगे। हाँ, नॉर्मल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो दिस इज नॉट रियली प्रैक्टिकल कैमरा, कि अगर आपको घर में अपनी वीकेंड में पार्टी का वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आप अपने आईफोन से करेंगे, वो आपके लिए बेस्ट होगा। उस टाइम पे आपको ये कैमरा चाहिए ही नहीं, और आपके पास में इतनी हेडेक होनी भी नहीं चाहिए कि आप इस कैमरा को यूज करो उस टाइम के लिए। बट अगर आप मूवी बना रहे हैं तो वो काम फिर यही कैमरा कर पाएगा। और उसका एक और रीजन ये है कि दिस कैमरा इज नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड। मतलब अगर हम बात करते हैं सिनेमा कैमरा की, करीब सी रेंज में तो रेड का कोमोडो आ जाता है, अगर हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक तो आपको उसका कैमरा मिल जाता है, कैनन की तरफ से कैमरा मिल जाते हैं, सोनी का आ गया FX लाइन ऑफ सिनेमा कैमरा लाइन की अगर हम बात कर लें, तो दीज वुड बी द कैमराज जिनसे मूवीज वगैरह बनती हैं। हम एरी वगैरह की बात करते हैं, वो भी एक अलग लाइनअप है प्रॉपर, लेकिन ये कैमरा क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट है, इतना लाइट वेट है, इतना वर्सेटाइल है, और स्टिल जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, तो समटाइम्स डायरेक्टर्स प्रेफर दिस कैमरा। क्योंकि आपने इसको ड्रोन पे लगा लिया, आपने इसको किसी स्लाइडर पे लगा लिया, किसी गिम्बल पे लगा लिया, मतलब इतना छोटा और इतना हल्का है, एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, सो ये कई बार चॉइस बन जाता है। और अभी आगे चल के मैं भी काफ़ी वीडियोस में इस कैमरा को यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन अगर मेरे को व्लॉग बनाना है तो वो मैं इससे नहीं बनाऊंगा, बिकॉज ये उसके लिए नहीं बना है, मतलब आई होप यू गेट द आइडिया। इनफैक्ट इसकी एक और चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो ये कि यहाँ पे जो बैटरी है, अभी जो हमको बॉक्स में मिल रही थी वो थी BPU 35 बैटरी, और देखोगे आप कि ये रिसेस्ड है, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे बैटरी पैक्स जो है वो और ज्यादा भी हमको सोनी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है BPU 70 और BPU 100 तक। और अगर हम BPU 100 यूज करें तो अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे या उससे भी ज्यादा हम इससे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मतलब आपको बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से 4-4 घंटे तक आपका कैमरा चलेगा, सोचो इतनी बैटरी हमको मिल जाती है अगर आप केवल दूसरी बैटरी को यूज करें। स्टैंडर्ड बैटरी का साइज ये है, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और गाइस, अगर हम बात करते हैं साइज से सीधा निकल के प्राइस पे, तो दिस कैमरा इज अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपीज, 5,99,000 समथिंग का। और ये केवल मैं इसकी बॉडी की बात कर रहा हूँ, अगेन लेंस एक्स्ट्रा होगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि पैकेज में हमको ये साइड ग्रिप, टॉप हैंडल, ये डिस्प्ले वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो मतलब दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, फिर आप इसके ऊपर एड ऑन करते जाओ और अपने वीडियो गेम को आगे बढ़ाते जाओ। दैट्स ऑल इस वीडियो में, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, और आपको क्या लगता है कि इस कैमरा से क्वालिटी में कुछ आपको डिफरेंस लग रहा है।
आने वाली वीडियोस जो है वो हम इसी से कोशिश करेंगे रिकॉर्ड करने की। आप करना लाइक और कमेंट और नीचे अपनी मन की बातें लिखते हुए बताओ क्या कहना है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।